हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और नहाना धोना हो चुका था, फिर चाय बनाई हमने। चाय में फिर साथ में बोले मखाने भून दो, तो मखाने भूजे। और सर्दी बहुत है तो आज थोड़ा अलग डिफरेंट तरह का खाना बनाएंगे। सब्जी सेम ही है, आलू मटर की सब्जी है। तो बढ़िया से आलू बॉईल करके, जैसे पंजाब में ज़्यादातर बनती है वैसी सब्जी बनाई है। फिर मैंने बनाई बाजरे की रोटी, और चावल थे और गेहूँ की रोटी थी। बच्चों को भी बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगी, पहली बार बनाई तो उनको काफ़ी पसंद आया। मतलब मम्मी बहुत टेस्टी लग रही, खाई एक ही एक है लेकिन अच्छी लगी उनको, तो अच्छा लगा कि चलो बच्चों को भी अच्छी लगी। तो मज़ा आ गया गरम गरम खाने में, और इन्जॉय किया हम लोगों ने बहुत ज़्यादा। और काफ़ी दिनों बाद भी बनाई थी, क्योंकि जहाँ जहाँ हम थे हैदराबाद और मुंबई, इधर सब बाजरे का आटा ज़्यादा नहीं मिलता था, ज्वार का और मक्की का मिलता था। तो मक्की का हम लोग तो खा लेते थे, बच्चे नहीं खाते थे, बट बाजरे की रोटी तो इन लोगों ने भी बहुत खाई। और पीयू बोले इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, तो मैंने कहा डिफरेंट चीज़ है तो डिफरेंट ही लगेगा। अदरक है, ये मिर्ची है, और मिर्ची आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने अभी इसको साफ कर लेते हैं, उनको भी छील लेते हैं, तो आपको दिखाते हैं। मैंने पहले से छील के कद्दूकस करके रखा है, उसमें मैंने दो ही थोड़ी क्वांटिटी दिखाई है। मैंने 250 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा अदरक है, और लहसुन भी मैंने 4 गंठी ली थी। तो सर्दी है, कौन सी ख़राब होनी है, अपने खाते रहेंगे बच्चे। और ये मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, सरसों का ऑयल काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है, तो अभी डालते हैं लहसुन सबसे पहले। साथ में डाल देते हैं अदरक, तो ये देखिए हमारा जो अदरक और लहसुन है ये पक चुका है। मैं ऐसे पता चल रहा है क्योंकि ऑयल फूट चुका है जब हमने डाला था, तो काफ़ी ये पूरा भर गई थी कढ़ाई। अभी देखिए बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है और ऑयल भी निकल रहा है। तो अभी इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, हल्दी इसमें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है थोड़ी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से चटनी है। और ये थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, अभी भी देखिए पानी इसमें सारा ऑब्जर्व हो गया, तो और डाल देते हैं। और अभी ये डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाते तो कम। तो ये देखिए जो हमारी चटनी है अदरक लहसुन की बन के रेडी हो गई है। ऑयल क्योंकि बहुत अच्छे से पक गई है, ऑयल बिल्कुल दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा होगा। अभी इसमें हम डाल देते हैं धनिया, हरा धनिया, और हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। पीयू के मुंह में कहता ना पानी आ रहा है, बगल में खड़ी कह रही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कर देते। अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद, और गर्मा गर्म रोटी के साथ करते हैं सर। देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है, कितनी मस्त लग रही है चटनी, एकदम रेड और बढ़िया से मसालेदार। मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, तो भाई
अगर आपको ये रेसिपी वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, अदरक और लहसुन की जो चटनी बनाई है सर्दियों में खाने के लिए, इसका ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।